हेलो अरवन वेलकम टू आर सरकारी टूडे वी आर टेकिंग अप द्यूज पेपर ऑफ़ पोर्थ ऑफ मे स्टार्टिंग फर्स्ट सेंटर मे अर्न सेवेंटी फाइव टू एट्टी फाइव थाउजेंड करो डिविडेंड फ्रॉम आर बी आई एंड एंडैंशियल ईयर ट्वेंटी इट इज़ स्टली लोअर दैन फाइनेंशियल ट्वेंटी फोर इट वॉज अराउंड एटी सेवन थाउजेंड करो तो बेसिकली ट्रांसफर और सप्लेस फंड है क्या

इंपॉर्टेंट चीज ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो आरबीआई के बैलेंस शीट के बारे में लिखा हुआ है एसेट साइड और लाइबिलिटीज साइड तो आरबीआई के एसेट्स क्या होंगे जो उसके फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं जो लोन्स एंड एडवांसेस आरबीआई प्रोवाइड करता है स्केडूल कमर्शियल बैंक्स को रेपो रेट पे और थर्ड हो गया आरबीआई के जो गोल्ड रिजर्व है वो आरबीआई के एसेट्स है लाइबिलिटीज में अगर हम बात करते हैं तो जो करेंसी इशू की जाती है वो लाइबिलिटी है जिसको हम हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं देन लाइबिलिटी होगी जो स्किड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट आरबीआई के पास करते हैं एंड बाकी डिपॉजिट्स भी तो डिपॉजिट्स जब हम स्कड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की भी बात करते हैं तो वो भी उन बैंक्स के लाइबिलिटीज होते हैं तो सिमिलरली आरबीआई के लिए भी सेम केस है तो इसमें जो करेंसी है उसका शेयर फोर्टी नाइन परसेंट है तो इसमें वी कैन जस्ट रिमेंबर की फिफ्टी परसेंट से ज्यादा नहीं है जो करेंसी का लाइबिलिटीज वाला शेयर है आरबीआई के केस में that is not more than 50%. india is the only country where the transfer of the income of the rbi is given. under that, baki country means nahi other mutually decided hote. mandatory means baki sab country. Mm -hmm. true or false? true. for us, i same. True. overall, subject mandatory, us may be seeing it bank of australia, bank of england, germany's bundesbank, owned by the respective government. they have two transfer. the profit to so, government. some have the clear framework for 100% net profit. us paid be transfer, the net treasury to us treasury. Tre 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 india, nigeria. nigeria is the largest लार्जेस्ट कंट्री ऑन द पॉपुलेशन बेसिस इन अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन होंगे साउथ अफ्रीका इजिप्ट में से होंगे सर्च करो फर्स्ट कौन है ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन अफ्रीका अप्रोक्सीमेटली एलेवन पॉइंट एट बिलियन थे अभी घट के सेवन पॉइंट एट नाइन हुआ है ओवरऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना इन अफ्रीका इज स्लोइंग डाउन तो इसलिए जो अफ्रीकन कंट्रीज है दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी मोर अपॉर्चुनिटी फॉर फॉर इंक्लूडिंग डिफरेंट कंट्रीज इंडिया बींग अ वेरी यंग नेशन और इंडिया वॉन्ट टू इंक्रीज इट्स आउटरीच इन अफ्रीका इट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर मार्केट दैट इज वाई इंडिया और नाइजीरिया के बीच में बहुत अपॉर्चुनिटी है नाइजीरिया इज वन ऑफ द लीडर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस इन अफ्रीकन रीजन उनके पास फ्यूल है मार्केट है उनके पास तो इंडिया कैन प्रमोट इट्स ओन इंडस्ट्रीज कैसे एक इन्वेस्टमेंटली ट्वेंटी अभी वो नहीं बात नहीं हो रहा अभी है ट्वेंटी डॉलर वन थर्टीजेस्टमेंट इंड इन इन्वेस्टेड इन द नाइजीरिया वाइब्रेंट मार्केट इन द कंज्यूमर गुड सर्विसक्चरिंग सेक्टर सेकेंड जो इंडिया के पास जो डिजिटल फ्रेमवर्क है पेमेंट का एनपीसीआई आरबीआई के अंडर में जो यूपीआई बना है रुपए हुआ या फिर कोविन ऐप हुआ बाद में फिर वैक्सीनेशन के लिए ड्राइवन हुआ मिशन नाइजीरिया कैन लर्न फ्रॉम इंडिया इन वेरियस सोशल गवर्नेंस स्कीम्स और कैसे पॉवर्टी से लोग को बाहर निकालते हैं तो इसमें कोलेबोरेट करते नाइजीरिया के साथ उसके बाद फिर इंडिया कैन यूज इंडिया कैन Outreach Africa through Nigeria because Nigeria represent one of the military power country in uh, Central and Western Africa तो isliye Nigeria bahut important role play करती है इंडिया के लिए As of two thousand twenty twenty one Nigeria ही top पे था but अभी कहीं clearly नहीं लिखा तो it might be possible कि South Africa हो सकता है top में Egypt भी हो सकता है uh, Egypt तो कहीं mention नहीं है सच but बर... कहीं कहीं साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका का है नॉर्थन अफ्रीका में इजिप्ट है इंडिया वो फिफ्टी वन बिलियन डॉलर इंपोर्ट वोटी सिक्स बिलियन डॉलर ट्रू ऑफो या फिगर से फिर से रिपीट करो फिफ्टी बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फिफ्टी वन इम्पोर्ट फोर्टी सिक्स हो सकता है ट्रू ट्रू फेर इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूरोपियन यूनियन चाइना इन अफ्रीका हाँ ये भी हो सकता है यूएस यूएस का क्या यूएस हो सकते कि नहीं

हम्म ट्रू तो ये अफ्रीकन तो इसमें अफ्रीकन कंट्रीज इसलिए इम्पोर्टेंट इंडिया अफ्रीका बिल ट्रेड क्रॉस हंड्रेड बिलियन डॉलर अभी हुआ इसलिए आया था नाइजीरिया में एक अफ्रीका की जो तीन इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनमें से एक रिवर नाइजर Niger रिवर नाइजीरिया की ये फेमस है इट ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके जो नाइजीरिया इसके नीचे से इक्वेटर पास करती है और ऊपर से डिस्टेंस कैंसर पास करती है तो उसके बीच में लाई करता है एंड जो प्राइम मेरिडियन है वो भी इसके वेस्टर्न साइड से पास करती है तो इससे ये कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है बट ये तीनों के क्लोजली लोकेटेड है hmm. और बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर हम देखें तो बॉर्डरिंग कंट्रीज में वन इज नाइजर नाइजर टॉप पे है मतलब नॉर्दर्न साइड ईस्टर्न साइड शैड है देन उसके नीचे कैमरून है एंड वेस्टर्न साइड आई थिंक टोगो है ठीक

फॉर्मेशन ऑफ अवर सोलर सिस्टम दूर में रहते सन और दूसरे जो फॉर एग्जांपल ये ओवरऑल सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम के बाद में एक ओट क्लाउड होता है बियॉन्ड डिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम वहां पर भी कॉमेट पाए जाते बियॉन्ड नेपच्यून एंड बेल्ट बेल्ट हम्म मेंशन जातेमेट डिफरेंस है दस किलोमीटर वाइड और जैसे वो सन के क्लोजर आते हैं इट हीट प्यूर गैसेस इसलिए टेल दिखता है कॉमेट के टेल दिखते हैं और जैसे अर्थ के अंदर में एंटर करते हैं तो इट वन इट इंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर इट जस्ट बर्न्स इनटू टाइनी फ्रेगमेंट और इट कम्प्लीटली बर्न इन द एटमोसफेयर कुछ कुछ बच जाता है तो हिट्स द ग्राउंड इसको Metroid बोलते हैं तो क्या होता है क्या है? और कॉमेट क्या और तो ये थोड़ा होता है जब अर्थ के सरफेस को हिट करता है वो कॉमेट हम्म तो जब अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है तो मीटरॉइट बोलते हैं उसको

बिकॉज इट लॉन्ग मीटर विट अपियर्स टू स्कीम द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऐसे इतने सारा शॉर्ट दिखता है इट इज इट वॉज सोन इन इट वॉज सीन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू नियर सैन पेद्रो डी आटाकामा चिली सदर्न हेमिसफेयर में दिखता कब फॉर्मेशन होता है वेन अर्थ पासिस थ्रू द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द फेमस हैलीज कॉमेट विट टेक्स अवर फॉर सेवेंटी सिक्स ईयर्स टू ऑर्बिट सन तो अलग अलग इसमें दिया हाउ टू कैच एटा एक्यूरेट एटाट मेटर लाइटन होना चाहिए बेसिक टेलीस्कोप और सदर्न हेमोस्फेयर में होना चाहिए आप तभी देख सकते हो तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओट क्लाउड क्यूपर बेल्ट कॉमेट म्यूटोराइट एंड म्यूट थ्री नासा सैटेलाइट इज गोइंग टू डाइसू उनका नाम है टेरा एक्वा उनका क्या रोल था कि दे वर एसेसिंग हाउ मच डैमेज इज डन टू द ओजोन बाय द बाई वाइल्ड फायर वो ओजोन होल फॉर्मेशन का भी एक बार एसेस करते हैं हाउ मच सोलर रेडिएशन द प्लान एंड ऑब्जॉर्व एंड बॉन्स बैक टू स्पेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे विध रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन एन्वायरमेंटल अग्रीमेंट उनके अंदर में डेटा ड्रिवन होता है आईपीसीसी पी सी सी तो डेटा देने में उनका बहुत बड़ा रोल था लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत बड़े सैटेलाइट थे और बहुत कॉस्टली भी थे तो नासा बोल रहे हैं कि ईच वन एज हेवी एज एलिफेंट मतलब कि फोर टू फाइव टेन अप्रोक्सीमेटली सैटेलाइट इट विल डाई सुन तो उसको रिप्लेस करने के लिए चीपर ऑल्टरनेटिव होना जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का रोल भी इसमें हो सकता है और अभी हम जो कॉमेट्स की बात कर रहे थे तो स्पेस मिशन कौन कौन से हैं तो, जो के लिए गए। तो सबसे लेटेस्ट जो है नासा का डीप इम्पैक्ट है लॉन्च हुआ था एंड इट वाज सक्सेसफुल इसके अलावा इससे पहले के अगर देखे कुछ फेमस वंस तो एक रोजेटा है रोजेटा यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो स्टारडस्ट है ये भी नासा का है तो मैक्सिमम यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के और जापान का और सोवियत यूनियन तो यही कंट्रीज है जिन्होंने भेजे इंडिया का नहीं है इसमें है एक भी हम्म ठीक साउथ कोरिया टू फाइंस जो स्लैफ फाइनस मतलब कर जाना लेस के पैकेट है पहले दस रुपया था तो लेस के में दस पीसेस होंगे अभी फ्लेशन मतलब क्या हुआ कि दस रुपया सेम ही है बड़ा नहीं दाम पंद्रह रुपया नहीं हुआ लेकिन दस की जगह पे आठ नौ सात पीस है तो आपको लगता है कि दाम तो बड़ा नहीं है तो खरीद लेते हो पता चलता है कि पीसेज कम है अंदर तो फ्लेशन बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि द कंज्यूमर इज अन से स्ट्रेटेजी अपनाते हैं एफ एम सी सी कंपनी और दे आर डाउन साइजिंग द प्रोडक्ट इन अ वे दैट द यूनिट प्राइसेस टू गो अप ये हर जगह यूज कर रहे हैं पहले टॉयलेट पेपर पहले शैंपू

रेयर रिस्क और रेयर केस रिस्क तो स्टेट के तरफ से अगर देखा जाए तो वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट तो इट इज दब्लिक इंटरेस्ट टू प्रिजर्व द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड एवरी सिटीजन इट इज अप्लाइड ऑन द एरिया सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी हर जगह फंडामेंटल एक्सप्रेशन स्पीच सब में पब्लिक इंटरेस्ट कोविड जैप में भी देखा गया है कि कुछ केसेस है थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम। उसमें दो विमेन एज ऑफ ट्वेंटी और पेरेंट्स जो कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इंडिया में वन पॉइंट सेवन फाइव बिलियन डोसेज वॉज एडमिन

क्ट्री बोडा लेकिन ऐसा देखा गया है कि उनका जो केसेस है वो वन इन वन टेन थाउजेंड इवन वन लैख लैख तो फ्रॉम द परिव स्टेट उस समय सबसे इंपॉर्टेंट था कि कैसे आम जनता उनके लाइफ को बचाया जाए और तभी बचा सकते थे वेन द वैक्सीन वॉन्स टू बी अफोर्डेबल वॉन्स टू बी डिलीवर एट ए वेरी स्पीड रेट इट वॉज टू बी एक्सेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन उसके लिए ये जो एथिकल डिलेमा है इट कैन आउटवे दैट साइड इफेक्ट क्योंकि और भी केसेस नहीं है हमारे लिखा है जीरो पॉइंट वन या जीरो पॉइंट टू वन केस पर मिलियन मतलब इसको अगर टेन से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो एक करोड़ में दो केस हुआ एक तरह से तो इसको अवॉइड नहीं कम्पन दे सकते तो मेरे हिसाब से मेरा स्टैंड होना चाहिए देना चाहिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन को आप कम कर दें आप डेटा ड्रिवन बेस पे करें आप डिमांड करें डेटा कि आपका जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे साइड इफेक्ट हुआ है वो आप पब्लिक के सामने लेके आइए उसके बाद फिर वैक्सीन के अंदर में क्या और मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए उस पर बात होना चाहिए इंडस्ट्रीज को वे इन करना चाहिए इंटरनेशनल बॉर्डर से ग, गेवाई जी ए वी जी वी ए आई ग्लोबल वैक्सीन अलायंस इनिशिएटिव ऐसी नाम है उसका अगर डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल एडवाइजरी कमिटी ऑन वैक्सीन सेफ्टी ये सब बैठ करके डिसाइड करेगी कि कैसा वैक्सीन होना चाहिए लॉन्ग टर्म में सुटेबल क्या रहेगा तो जब तक पैंडेमिक ट्रीटी पैंडेमिक ट्रीटी साइन नहीं होगा विच इज नेगोशिएशन बाय द मेम्बर्स ऑफ्लू ची ओ डब्लू एच ओ तब तक वैक्सीनेशन में भी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग नहीं किया जाएगा अभी तक में

पैसिव होती है जो बेबीज दे फ्रॉम देअर मदर ये शॉर्ट होती है कंपेयर टू द एक्टिव तो एक्टिव तो वाली है या तो आपको पहले हुआ, तो आपकी हेल्प ऑफ की पास मेमोरी अगर फिर से आपको डिजीज होता है तो एंटीबॉडीज होती है बॉडी में और एक्टिव के अंडर ही वैक्सीनेशन आता है तो ये पैसिव से लॉन्ग लास्टिंग होती है ज्यादा ठीक और हाँ ग्लोबल वैक्सीन की हमने बात करी तो 2000 में इसको सेटअप किया गया था एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट इक्वल एक्सेस टू न्यू एंड अंडर यूज वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज सो दिस वाज द एम एंड इसमें वी सी यूनिसेफ डब्लू एच ओ वर्ल्ड बैंक एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स जो इनका एक बोर्ड है तो लाइक एंडियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं एंड टूडे इट इज प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन टू वी than half of the children population in these countries hmm कंट्रीज okay.

सब में एलनो इंपैक्ट्स टेंपरेचर तो, में होता है रेनफॉल में बोलो एलिनो की वजह से क्या पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल डेवलप होता है बिकॉज़ ऑफ एलिनो नहीं बोल सकते ऐसे पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है डिफरेंट तो फैक्टर हो सकता है पॉजिटिव में क्या लेना है नहीं नहीं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में नीनो कंडीशन हेल्प करती है उसको फॉर्म करने में बट यहाँ पे एल नीनो का इम्पैक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है ऑन द इंडियन मानसून तो इसलिए वो इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं कॉज कर पाता है मानसून की बट एल नीनो के अंडर जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है मतलब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल फॉर्मेशन में अब इलेक्शन में देखा जाए तो सिक्सटी परसेंट वोटिंग फिफ्टी सेवन परसेंट वोटिंग देखा गया तो, voting, देखा गया तो ये दिखाता है कि ड्यूरिंग इंटेंस हीट वेव फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी सेवन डिग्री में लोग बाहर कैसे निकलेंगे वो भी दोपहर में वोट देने के लिए प्लस लॉजिस्टिक खर्च लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बहुत हाई है ऑफिशियल दैट आर एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्शन पर्पेस वो भी थक जाते हैं लगातार ट्वेंटी टू 7 तो आवर सेवन आवर ड्यूटी सिक्योरिटी पर्सनल करता है और एग्जर्शन मेंटल हेल्थ से इंपैक्ट पड़ता है हीट वेव के कारण बिकॉज़ हीट वेव इज नॉट कंसीडर एज डिजास्टर अंडर द डीएम एक्ट 2005 हीट वेव को अगर इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिजास्टर के अंदर आएंगे तो और हीट एक्शन प्लान कंपल्सरी होगा मैंडेटरी होगा सबको करना पड़ेगा और दूसरा की इलेक्शन है उसके टाइम शेड्यूल में भी हो सकता है कि ना more preferable weather में किया जाए तो बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए जिसमें आप इलेक्शन को वेदर प्रूफ कर सके क्योंकि बाद में फिर बारिश होगा बारिश से आए फिर फ्लडिंग दिक्कत होगा तो पहले कर सकते हैं इलेक्शन को कम से कम दो महीना पहले रिपोर्ट द वेटरन लीडर्स फेंटिंग नितिन गडकरी फेंट कर गया था वोटर्स वोटर्स ये फेंट कर रहे हैं प्लस हीट वेव के कारण डेथ भी हुआ है हाइएस्ट बिहार और यूपी साइड में तो 40 45 डिग्री में वोट करना वो जा करके इट बिकम चैलेंजेबल टास्क क्योंकि दोपहर में जाना पड़ता है और सबके घर सामने नहीं होता बहुत जगह पे दूर में होंगे पोलिंग स्टेशन तो ऐसे लॉजिस्टिक क्या चैलेंज है केस ऑफ द बॉम्ब थ्रेड क्या होना चाहिए वॉट रिपोर्ट एन एन है विच में इंडिकेट एक्सप्लोसिव क्वेश्चन मार्क तो उसको आप रिपोर्ट करें अथॉरिटीज को फेंसिंग कर सकते हैं बाउंड्री के ऊपर एंट्री एक्सिट सेपरेट होना चाहिए वर्नेबल एरिया कैमरा सीसी भी होना चाहिए जो प्लान है क्लियर रूल्स बिहेवियर सेंसिटाइजेशन या मॉक ड्रिल साल भर में एक बार कम से कम करना ही चाहिए रिगार्डिंग बॉम्ब थ्रेट कस्टडी ऑफ स्टूडेंट शुड भी हैंडल ओवर टू पेरेंट्स ियम एक, एक ऐसा बना सकते जिसमें ऑन दर्म बेसिस वहां पर चिल्ड्रेन को बोल सकते हैं वहां आने के लिए और डोर बंद कर देना चाहिए अगर कहीं पर बिग बॉम्ब थ्रेट या फिर कुछ ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट का आना ऐसा चांसेस दिखते हैं regarding oxytocin drugs that is used in the delhi dairies rampant use it is banned it is considered as an animal cruelty under the prevention of cruelty to animals act 1960 statutory body animal welfare board hai, that deals with the cases of the cruelty among the pet and wild animals oxytocin It to the of the milk. लेकिन क्या होता है कि तो का क्या इम्पैक्ट पड़े ह्यूमन पर क्योंकि वो ऑपर से फेयर नैरोस वैक्सीन नहीं है वो एक ड्रग्स ऑक्सीटोक्सिन हॉर्मोन वो आप

लेकिन ऐसा देखा गया कि बहुत सारे डेयरी फार्मर हैं, छोटे फार्मर बड़े फार्मर भी दे आर यूजिंग रैम्पेड दे आर रैम्पेड यूज ऑक्सीड अपने हेल्थ भी बर्बाद कर रहे हैं बाकी लोग तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है ऑल्टरनेटिव तो इसका दो ही है पहला बात है कि प्राइस बढ़ना चाहिए मिल्क का तो इसके कारण डिमांड भी कम होगा दूसरा कि कोऑपरेटिव बेसिस पर जैसे अमूल है वैसी हर जगह अपने अपने बेसिस पर कर सकते हैं जिससे मिल जाए उनको टाइम मिली और एक और एक मॉडल जो कुछ जगह पर यूज होता है इशोर पे मॉडल फॉर एग्जांपल जो दो तीन पांच फैमिली एक साथ ही एक कैटल को फंड करते हैं टेन थाउजेंड रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ऐसे करके उनका देखभाल करना खर्चा वो सब उठाते हैं मिल्कमैन और प्रॉफिट भी मिल्क मैन लेके आते हैं बस इनिशियल जो कॉस्ट है वो जो मिल्क लेते हैं वो देता है तो उनका मंथली जो मिल्क बचता है वो उनके पास जाता है बाकी जो बचा वो प्रॉफिट भी आता है मिल्कमैन के पास एक ऐसे ही मॉडल तो लॉस टू कैंसर डेथ रिलेटेड Throat. Throat होगा या फिर में कैंसर होगा टंग से रिलेटेड होगा या फिर तो कैसे पता लगता है औरल कैंसर तो पहले बात है क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल डायग्नोसिस बाद में उसके पहले सेल्फ डायग्नोसिस ओरल कैंसर में आता है मोस्टली जो ओरल कैंसर तभी होता है जब यूआर स्मोकिंग और आपके जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन बार बार हो रहे हैं बार बार हो रहे हैं हट नहीं रहे बढ़ते जा रहे हर जगह हो रहा है या फिर आप ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है एड्स या एच आई वी के कारण ओरल कैंसर सबसे पहला इंडिकेशन होता है बल्जिंग इन द थ्रोट तो हमें कभी ना कभी चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में सेल्फ डायग्नोसिस करना चाहिए अगर कहीं भी बस दिखता है जो एक हफ्ता दो हफ्ता में हटा नहीं है तो यू कैन गो टू तो डॉक्टर लेकिन ऐसा होता नहीं मोस्टली लगता है कि छोटा सा वो है तो धीरे धीरे बढ़ जाता है तो ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर तो मोस्टली अगर बोला जाए नाइनटी सेवन परसेंट ऑफ डेथिस वेयर अमंग देश फिफ्टी वन फोर्टी वन ईयर्स और ओवरऑल इसमें तो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिया है लेकिन जो हर जगह इकोनॉमिक का इम्पैक्ट रहता है लेकिन क्वेश्चन आप पूछना चाहिए कि लोग जब मरते हैं घर पे तो सोशल इम्पैक्ट है मेंटल इम्पैक्ट है फैमिलीज का भी बर्डन ही बढ़ता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और तो पैसे जो परिवार टूटते तो उसका भी इम्पैक्ट कंसिडर नहीं किया जा रहा है इसमें सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी इसलिए मार्क्सिज्म बोलते हैं कि इंसान को इंसान से ट्रीट किया लेबर ऐसा नहीं Creativity को focus करना चाहिए चाहिए ऊपर भी भी, देखा जाए, में भी, इसमें इसमें बात बात किया गया कि it impacts human. That is we are reducing the लेकिन इसमें बात होना एक्टिविस्ट बोलते हैं कि ऑक्सीटॉक्सिन इम्पैक्ट एनिमल हेल्थ ऑल्सो तो पहला कंसिडर उनको किया जाना चाहिए के लिए पहला सेल्फ डायग्नोसिस है फिर क्लिनिक डायग्नोसिस फिर लैब डायग्नोसिस स्वेल वेव्स नॉर्मल लो टाइड हाई टाइड सुनामी और स्वेल वेव्स में क्या फर्क है तो लो टाइड हाई टाइड इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सन मून नीप टाइड डायुर्नल होता है उसके अलग अलग क्राइटेरिया स्वेल वेव्स होता है हाई मूविंग हाई स्पीड विंड फ्रॉम उज ऑफ किलोमीटर्स अवे बहुत दूर से आता है तो वो सोइल वेव कहलाता है दूसरा होता है कि कि सुनामी इट अकर्स ड्यू टू द टेक्टोनिक शिफ्ट टेक्टोनिक मूवमेंट बीनीथ द ओशन सर्फेस अर्थ के आने से वो वोल्कान, वोल्केनिक एक्टिविटी होने से इट फॉर्म्स सुनामी तो इट थ्री फोर एरियस टाइप

और अलर्ट मैसेज पास ऑन करते द कोस्टल अथॉरिटीज टेन थाउजेंड किलोमीटर्स वहां से दूर से आते हाई एनर्जी स्वेल प्रोपुलेशन माइनिंग वे मे डिस्कस माइनिंग तो उसमें दो टाइप के माइनिंग होते हैं इट इज रेगुलेटेड अंडर द एमएमडीआर एक्ट 9057 और उसमें अमेंडमेंट हुआ 2015 में दो टाइप के माइनिंग होते हैं, मेजर और मिनर माइनर माइनर मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है रूल्स बना सकते हैं कौन-कौन से होंगे से सैंड से रिलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक कॉजाइट ग्राफ फिर उसके बाद फिर चॉक टेप जो होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे लेकिन और भी जो मेजर होंगे वो सामने लिखा हुआ है स डायमंड लाइम स्टोन मैग्साइट से रिलेटेड तो अब बोला बात किया जाए कि मेजर मिनटरल रूल कौन फॉर्मुलेट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट करते है स्टेट इम्प्लीमेंट करता है MMDR Act, 2015 में amendment हुआ।

ऐसा प्रावधान किया गया चुनाव के अंदर में कि आप शेयर कर सकों लोकल ग्राम सभा के साथ पैसा में तो माइनिंग कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 14.3 परसेंट ऑफ़ द आईआईपी इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसमें आठ होते हैं और 40 परसेंट इनका रहता है इन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पैराडॉक्स ऑफ इंडिया ग्लोबल राइज रीजनल डिक्लाइन ऐसा क्यों लिखा हुआ इंडिया इज राइजिंग ग्लोबली इंडिया इज इंक्रीजिंग इट लीडरशिप कैपेबिलिटी फॉर द ग्लोबल साउथ लेकिन रीजनल डिक्लाइन हो रहा है कैसे ओवर दस काला पानी लिम्फिया इशू दिखा गया बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल हमन टोटा पोर्ट में चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं चाइनीज शिप इज डॉ इन दॉकर्ड ऑफ द श्रीलंका मालदीव इन द रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी खराब है बांग्लादेश के साथ डिपेंड करता है कि इलेक्शन में कौन आने वाले बांग्लादेश ने पार्टी के आने वाले है कि शेख हसीना के गवर्नमेंट आने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है फिर भूटान के साथ भी देर भूटान ऑल्सो टॉक अबाउट की बीवीआन के अंदर में नहीं आएंगे आप टूरिज्म कैपेसिटी को कम करूँ नेपाल इट इज बैलेंसिंग इंडिया एंड चाइना तो मोस्टली रीजनल स्पेस है म्यांमार में ऑलरेडी एक देखा गया है कि द जनता गवर्नमेंट इट इज सुपरसीडेड बाई दिलिट्री जुनता रूल तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा कर तो ओवरऑल पूरा नेबरहुड रीजन में जो इंटीग्रेशन होना चाहिए इन द इकोनॉमिक इन सोशल एस्पेक्ट डिप्लोमेसी एक सेक्टर जैसे यूरोपियन यूनियन है जैसे लैटिन अमेरिका भी लीस्ट इंटीग्रेटिव है साउथ एशियन रीजन इसलिए लिखा है रीजनल डिक्लाइन सबके अपने अपने जीडीपी ग्रो कर रहे हैं लेकिन रीजनली दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड जितना होना चाहिए पोटेंशियल जितना होना चाहिए उतना है नहीं आपस में क्लैश है डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है चाइनीज रोल बढ़ते जा रहा है इन द रीजनल नेबरहुड अब इंडिया क्या होता है क्या करना चाहिए यहां पर लिखा हुआ है कि रेदर देन मैचिंग दाइनीज दे इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री इन द नेबरव कंट्री कि चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है मैं भी इतना करूं उसको कैसे ट्रील कर रहे तो वो होता है रिएक्टिव अप्रोच कि चाइना जैसा करेगा वैसे मैं करूंगा तो रिएक्टिव रेदर देन बी इन रिएक्टिव मूड बी इन वेरी पॉजिटिव अग्रेसिव मूड स्टार्टिंग से प्रिवेंटिव ही रहना चाहिए क्या आप रिलेशनशिप को स्ट्रेंडन करें ऑन द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या इंडिया का की कनेक्टिविटी

मिनिलैटर फॉर एग्जाम हो गया सार्क उसको प्रमोट करेंगे तो कोलेशन बेसेशन बिल्डिंग होगा आपस में जो इंटरेस्ट है फिर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वो एक मिनिटरिज्म हो गया उसके बाद फिर इंगेज बिग पार्टनर्स जापान यूएस यूके फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग इन श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश बांग्लादेश में रशिया के साथ उनके न्यूक्लियर प्लांट बैठाने की को कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका में जापान के साथ जीका के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन द कोलंबो पोर्ट उसे क्या होगा कि जो कंट्री है उनको लगेगा कि इंडिया के साथ अगर रहेंगे तो उनको वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट भी मिलेगा तो हो सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करें तो एक कारण हो सकता है और रियलिटी ये देखना है कि ओवर द ईयर्स जो नेबरहुड है और जियो पॉलिटिक्स इट है फंडामेंटली चेंज ओवर लास्ट डिकेड सब अपने अपने कंट्री जो है छोटे छोटे कंट्री है दे आर फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी दैट इज बैलेंसिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो रियलिज्म जो डॉक्ट्रीन है आई आर में उसके तहत तो अगर काम करेंगे तो वी शुड फोकस ऑन जियो पॉलिटिक्स पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन उसमें एक एग्जाम्पल बीमस्टेक है ऐसे करके सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकते हैं बाकी जगह